हे गाइस, जय हिंद, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, यदि आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, तो चलिए हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ की जो सीरीज़ चल रही है उसका 5 वीडियो आज मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। और ये नेवी, SSR और MR के जो रागा सेट और एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए जो रागा सेट आता है उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। ये मैंने जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस पेपर थे उनमें से छांट के इन्हें अपनी एक PDF में कंबाइन करके उसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए चलते हैं अपने वीडियो पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यम ग्रह को सूची से हटा दिया था किस सन में। यम ग्रह को सूची से किस सन में हटा दिया था। फर्स्ट ऑप्शन है 2008, सेकंड ऑप्शन है 2006, थर्ड ऑप्शन है 2010, फोर्थ ऑप्शन है 1999। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है उसके लिए मैं आपको 5 सेकंड देते हैं सोचने के लिए। आप सोच लीजिए, उसके बाद मैं आंसर रिवील करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स 5 सेकंड हो चुके हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो 2006 में। यम ग्रह को सूची से हटा दिया था 2006 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, मलेरिया रोग प्रवाहित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है यकृत, सेकंड ऑप्शन है आंत, थर्ड ऑप्शन है पिलिया, फोर्थ ऑप्शन है मस्तिष्क। चलिए 5 सेकंड देते हैं इसके लिए। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है पिलिया। पिलिया जो है मलेरिया रोग से प्रवाहित एक शरीर का भाग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है। फर्स्ट ऑप्शन सुंदरबन डेल्टा, सेकंड ऑप्शन राकस्तान, थर्ड ऑप्शन मधुरबन और फोर्थ ऑप्शन है शेषनाग झील। तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन का आंसर जो है रिवील करते हैं आपके सामने। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो है सुंदरबन डेल्टा। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान है। फर्स्ट ऑप्शन परमवीर चक्र, सेकंड ऑप्शन है भारत रत्न, थर्ड ऑप्शन है पद्मश्री, फोर्थ ऑप्शन है पद्म भूषण। भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है वो है परमवीर चक्र। ठीक है फ्रेंड्स, परमवीर चक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत का नवनिर्मित 29वां राज्य है। फर्स्ट ऑप्शन सिक्किम, सेकंड ऑप्शन गोवा, थर्ड ऑप्शन तेलंगाना, फोर्थ ऑप्शन हैदराबाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स सिक्किम। ठीक है, भारत का जो नवनिर्मित 29वां जो राज्य बना है वो है सिक्किम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, नासा की प्रसिद्ध अंतरिक्ष दूरदर्शी यंत्र का नाम क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हवल, सेकेंड ऑप्शन है बबल, थर्ड ऑप्शन है एस्ट्रोनॉट 5, फोर्थ ऑप्शन है NASA 88। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है हबल। ठीक है, हबल जो है नासा का प्रसिद्ध अंतरिक्ष दूरदर्शी यंत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत किस देश की मुद्रा है। फर्स्ट ऑप्शन थाईलैंड, सेकेंड ऑप्शन न्यूजीलैंड, थर्ड ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, फोर्थ ऑप्शन है मलेशिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स थाईलैंड। जो बहुत किस देश की मुद्रा है वो है थाईलैंड की। थाईलैंड की मुद्रा है बहुत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 8, इस PDF में मैंने आपको 25% करा है जो नेवी SSR सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, शिवाजी के राज्य की राजधानी का नाम बताइए। फर्स्ट ऑप्शन रायगढ़, सेकेंड ऑप्शन प्रतापगढ़, थर्ड ऑप्शन है तोरण और फोर्थ ऑप्शन है डिब्रूगढ़। तो फ्रेंड्स, ये आपको क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है, तो शिवाजी के राज्य की राजधानी का नाम था विभ्रमता रायगढ़। ठीक है, रायगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 9, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक उपलब्ध धातु है। फर्स्ट ऑप्शन है सिलिकन, सेकंड ऑप्शन मैग्नीशियम, थर्ड ऑप्शन है एल्यूमिनियम, फोर्थ ऑप्शन है ग्रेफाइट। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है सिलिकन। ठीक है, सिलिकन जो है वो पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 10,
मानव द्वारा श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 30,000 हर्ट्ज तक। सेकंड ऑप्शन है 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 40,000 हर्ट्ज तक। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 60,000 हर्ट्ज तक, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर है वो है 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 11। WHO की स्थापना किस सन में हुई। फर्स्ट ऑप्शन है 1948, सेकंड ऑप्शन है 1965, थर्ड ऑप्शन है 1971, फोर्थ ऑप्शन है 1938। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1948 ईस्वी में WHO की स्थापना जो हुई है वो 1948 ईस्वी में हुई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 12। अकबर किस उम्र में सम्राट बना था। फर्स्ट ऑप्शन है 15 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है 16 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 17 वर्ष, और उसके बाद जो एक और ऑप्शन है उसका वो है 13 वर्ष, ठीक है, 13 वर्ष। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है 13 वर्ष, ठीक है। अकबर किस उम्र में सम्राट बने थे, वो बने थे 13 वर्ष की उम्र में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 13। विद्युत धारा की इकाई है, विद्युत धारा की क्या क्या है इकाई है। फर्स्ट ऑप्शन है एम्पियर, सेकंड ऑप्शन है एमीटर, थर्ड ऑप्शन है वोल्टमीटर, फोर्थ ऑप्शन है कैंडला। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है एम्पियर, विद्युत धारा की इकाई जो है वो है एम्पियर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 14। फ्रांस की राजधानी क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है पेरिस, सेकंड ऑप्शन है कुआलालंपुर, थर्ड ऑप्शन है उलानबटूर, और फोर्थ ऑप्शन दमिश्क। तो फ्रेंड्स आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको आ गया होगा। यदि आपको आ गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए, यदि नहीं आया है तो आप इस वीडियो को वॉच करिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर वो है पेरिस, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन की पहली लड़ाई किस सन में हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन 1498, सेकंड ऑप्शन 1191, थर्ड ऑप्शन है 1291, और फोर्थ ऑप्शन है 1192। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है 1191, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तराइन की जो पहली लड़ाई हुई थी वो 1191 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 16। इंडियन सुपर लीग संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन क्रिकेट, सेकंड ऑप्शन हॉकी, थर्ड ऑप्शन टेनिस, और फोर्थ ऑप्शन है बेसबॉल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स क्रिकेट से, ठीक है, क्रिकेट से, इंडियन सुपर लीग संबंधित है क्रिकेट से। तो फ्रेंड्स जो मैं आपको ये MCQ करा रहे हैं ये आप मेरी सभी वीडियो वॉच करिएगा तभी आपको बेनिफिट रहने वाला है, ठीक है। और ये मेरा वादा है कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। आप बस इन वीडियो को वॉच करिएगा, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को ले रहा हूँ जो सिलेक्टेड हैं, जो लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 17। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कोबाल्ट 16 का, सेकंड ऑप्शन है कोबाल्ट 12 का, थर्ड ऑप्शन है विटामिन सी का, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन डी का। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है कोबाल्ट 16 का, ठीक है। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 18। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा होती है, तो बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 80 किलो कैलोरी, 120 किलो कैलोरी, 273 किलो कैलोरी, और 576 किलो कैलोरी। तो फ्रेंड्स आई होप इसका जो आंसर आपको आ गया होगा, ठीक है। यदि नहीं आया तो वीडियो को वॉच करिएगा और आंसर समझिएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स 80 किलो कैलोरी, बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा होती है 80 किलो कैलोरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 19। और पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम है। फर्स्ट ऑप्शन यूरेनियम 35, सेकंड ऑप्शन है यूरेनियम 38, थर्ड ऑप्शन है यूरेनियम 237, और फोर्थ ऑप्शन है यूरेनियम 236। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है 238। यूरेनियम 238 जो है पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 20। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पृष्ठ तनाव के कारण, सेकंड ऑप्शन है दाव के कारण, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, दाव के कारण।
थर्ड ऑप्शन है आयतन के कारण, फोर्थ ऑप्शन है क्षेत्रफल के कारण। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की जो बूंदें गोलाकार होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं, ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 21। अम्लों का स्वाद होता है, फर्स्ट ऑप्शन है खट्टा, सेकंड ऑप्शन है मीठा, थर्ड ऑप्शन है कड़वा, फोर्थ ऑप्शन है चटपटा। तो फ्रेंड्स अम्लों का जो स्वाद होता है वो होता है खट्टा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, अम्लों का स्वाद होता है खट्टा, ठीक है। और अब यही भी क्वेश्चन आता है क्षार का स्वाद कैसा होता है, तो क्षार का जो स्वाद होता है वो होता है तीखा और कसैला, ठीक है, तीखा और कसैला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 22। मुगल वंश का वह शासक जो दो बार राज्याभिषेक जिसका दो बार राज्याभिषेक हुआ, फर्स्ट ऑप्शन है बाबर, सेकंड ऑप्शन है हुमायूं, थर्ड ऑप्शन है औरंगजेब और फोर्थ ऑप्शन है अकबर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर थर्ड। मुगल वंश का जो शासक था जिसने दो बार राज्य किया था वो था औरंगजेब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। कपूर को शुद्ध किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन है वल्कनीकरण द्वारा, सेकंड ऑप्शन है उत्पादन द्वारा, थर्ड ऑप्शन है भाषपन द्वारा और फोर्थ ऑप्शन है केड़बन द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है उत्पादन द्वारा। आपने देखा होगा कि डायरेक्ट ठोस का बाष्प में बदलना, ठीक है, डायरेक्ट ठोस का बाष्प में बदलना क्या क्रिया कहलाती है, उत्पादन कहलाती है, ठीक है। जो ठोस होता है वो द्रव में नहीं आ पाता है, उससे पहले ही ये बाष्प में बदल जाता है, तो ये क्रिया कहलाती है उत्पादन, ठीक है, जैसे कपूर है अपना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 24। इंडिया गेट का निर्माण किस सन में हुआ, 1621, 1622, 1936 और 1961। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है 1936 में, ठीक है, इंडिया गेट का निर्माण हुआ 1936 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा सजीव पक्षी है, फर्स्ट ऑप्शन शुतुरमुर्ग, सेकंड ऑप्शन तारपीड़ो और थर्ड ऑप्शन है बेहेल और फोर्थ ऑप्शन है डायनासोर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है शुतुरमुर्ग, ठीक है, शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा सजीव पक्षी है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और हमारी सभी प्रैक्टिस सेट आप वॉच करिएगा, क्योंकि इन प्रैक्टिस सेटों में लास्ट ईयर के जो प्रैक्टिस पेपर थे उन्हीं से उठाए हुए क्वेश्चन लिए गए हैं, वो सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये नहीं कि हम एयरफोर्स और नेवी के लिए डायरेक्ट पॉइंटेड कर रहे हैं इसे, ये नहीं, SSC में ले लो, SSC में ले लो, CGL तो बहुत ही बड़ी परीक्षा होगी, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये नहीं कि नहीं पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और रेलवे ले लो, सभी लेखपाल है, मतलब कोई भी स्टेट लेवल या तुम्हारी सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट की जॉब होगी उसमें सभी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आ गई होगी, और पसंद आ गई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद।